डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम प्रोटोजोआ की फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन को डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ सबसे एंशंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और मुख्तलि फाइला के अंदर भी एंशेंट है ये आलमोस्ट 1.5 बिलियन इयर्स अगो इस अर्थ के ऊपर इनका एग्जिस्टेंस हुई और फॉसल रिकॉर्ड हमें ये बताता है फॉसल्स क्या है एंशेंट रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉसल रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि प्रोटोजोआ जो हैं थर्टी थाउजेंड से ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक इस दुनिया में मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अब इनकी ओरिजिन एवोल्यूशन के बारे में हमें सिर्फ फ़ॉसिल रिकॉर्ड से ही पता चल सकता है कि कौन सा एनिमल या कौन सी प्रोटोजोआ की क्लास कितनी पुरानी है और उस एनिमल की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है वो प्रोटोजोआ सिर्फ फॉसल रिकॉर्ड में हमें मिलते हैं जिनकी बॉडी के गर्द एक हार्ड कवरिंग या टेस्टा मौजूद था बाकी तो एनिमल्स की बॉडी फॉसिल्स में हमें नहीं मिलती क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट कर गई उनकी बॉडी के गर्द एक हार्ड कवर मौजूद नहीं था अब ये टेस्टा जो है या हार्ड पार्ट्स जो हैं ये प्रोटोजोआ के ग्रुप्स जो हैं फॉरमेनाफिर रेडियोलेरियंस प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स मिले और इन्हीं से फिर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या प्रोटोजोआ के ग्रुप्स की एज का अंदाज़ा लगाया गया रिसेंट एविडेंस जो हैं फाइलोजेनेटिक्स के ये नॉर्मली बेस करते हैं डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग पर या आर राइबोसोमल आर एन ए पर रिसेंटली इनकी इन्वेस्टिगेशन जब राइबोसोमल आर एन ए के सीक्वेंस से की गई तो हमें ये पता चला कि हर एक प्रोटोजोआ का ग्रुप जो है वो उसकी इंडिपेंडेंट ओरिजिन है बट दे आर फाइलोजेनेटिकली कनेक्टेड विद वन अनदर अब हर एक ग्रुप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है उसका एलिवेशन का पॉइंट या उसकी ओरिजिनेशन का पॉइंट डिफरेंट है एडिशनल मॉडिफिकेशंस जो हैं प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन में इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए की गई हैं क्योंकि पहले जो है कुछ और तरह से प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन थी रिसेंटली जो है इन्हें राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस को बेस पे सामने रखते हुए इनकी कुछ ऑर्डर्स या कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स जो हैं नाउ दे आर आल्टड फॉर एग्जांपल 1993 में टी कैिलियर स्मिथ ने यह प्रपोज़ किया कि जो प्रोटोजोआ हैं ये किंगडम स्टेटस पे आए और इसके अंदर जो हैं वो एटीन फाइला मौजूद है अब जो को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजिस्ट प्रोटोजोलॉजिस्ट ने दुनिया के मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को सामने रखते हुए इस नए क्लासिफिकेशन के सिस्टम को भी एक्सेप्ट किया हाउ एवर बहुत सारे अभी भी इस सिलसिले इस में कन्फ्यूजनज हैं कि इनमें से कौन सा पहले ग्रुप इवॉल्व हुआ और इनकी आपस में फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन क्या हैं साइंस बहरहाल एक ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर रिसर्च और ये कंसीडरेशंस का सिलसिला जारी रहता है इस डायग्राम में आप देखें कि फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन हमें क्या मिल सकती हैं ये एक लंबी लाइन जो है ये एवोल्यूशनरी ट्री को इंडिकेट करती है इस एवोल्यूशनरी ट्री की डिफरेंट ब्रांच हैं यहाँ पे आप देखें ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेडरेपोराइट ओपन नियर माउथ और ये आज के अगर हम दौर में देखें तो हमें सबसे एंड पे जो प्रो जो फाइलम इन्वर्टिब्रेड्स हैं एकाइनोडर्मेटा एकाइनो के अंदर ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मेडरेपोराइट और वाटर वेस्कुलर सिस्टम एविडेंट है इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखें एस्टोराइडिया ऑफिजोराइडिया एकिनोइडिया हॉलोथ्राइडिया दीज आर डिफरेंट क्लासेज ऑफ फाइलम जो कि सबसे टॉप पे फाइलम इनवर्टिप्रेड्स uh, में आता है वो है एकाइनोडर मेटा और यहाँ पर आप देखें इनके डिफरेंट फीचर्स जो कि हर क्लास के साथ डिवेलप होते गए इस होलोथ्राइडिया में आप देखें एलोगेसन ऑफ बॉडी ऑन औरल एब औरल एक्सिस रिडक्शन ऑफ स्केलेटल प्लेट्स इंटू ऑसिकल्स फ्यूजन ऑफ स्केलेटल प्लेट्स इंटू अजन टेस्ट और यहाँ पे जो है एकिनोइडिया एकिनोइडिया का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है फ्यूजन ऑफ स्केलेटल प्लेट्स इन टू अ रिजिड टेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एम्बुलेक्रल ग्रूफ्स अलॉन्ग साइड ऑफ बॉडी लॉस ऑफ स्कर्स ऑन ट्यूब फीट क्लोज एम्बुलेक्रल ग्रूफ्स फाइव रे ब्रॉडली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिस्क अब है यहाँ पे एस्टराइडिया एस्टराइडिया में फाइव रेज जो कि इसके आर्म्स की हैं दे आर ब्रॉडली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल एक्सिस ट्यूब फीट विदर्स एंड यूज्ड इन लोकोमोशन औरल सरफेस ओरिएंटेड टू सबस्ट्रेट आर्म्स विद ग्रुप्स फॉर सस्पेंशन फीडिंग ये प्रेजेंट है सीरोइडिया में अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट बाय एबोरल सरफेस ओपन एम्बुल ग्रूफ पेंटा सिमेट्री और सबसे जो लेट लेटेस्ट है कि न्यूम्रियस एक्सटिंक्ट टैक्सा जो हैं इसके अंदर दे आर नाउ फ्यूज और फर्दर हमें जो लेटेस्ट फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन्स में सबसे टॉप मोस्ट पे फाइलम नज़र आता है वो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा उसके डिफरेंट क्लासेस के साथ डिफरेंट फीचर्स को किस तरह से रिलेट किया गया है ये फाइलोजेनेटिक ट्री हमें इसकी एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ से प्रूफ करवाता है अब यहाँ पे हमने अभी आपने इस मॉड्यूल में ये देखा कि हम सबसे लोएस्ट फाइलम प्रोटोज़ोआ से स्टार्ट हुए और सबसे हाईएस्ट फाइलम एकाइनोडर्मेटा तक आए अब फ़ाइलोजेनेटिक्स या प्रोटोजोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट थे जो कि सिर्फ प्रोटोज़ोआ को डिस्कस करते हैं अब जो इनवर्टिब्रेट को डिस्कस करते हैं साइंटिस्ट या उनकी स्टडी उनकी क्लासिफिकेशन की फाइलोजनी की करते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के स्कूल ऑफ थाट्स हैं कुछ स्कूल ऑफ थाट्स में ये कहा जाता है कि हर फाइलम इंडिपेंडेंट है इसकी ओरिजिनेशन इंडिपेंडेंट है लेकिन बहुत से आजकल डीएनए या राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंसेस से यह भी पता चल जाता है कि मुख्तफ एनिमल इनवर्टीब्रेड्स के जो थे इनके फाइलम इंडिपेंडेंट नहीं थे बल्कि ये डिफरेंट टाइप्स के एवोल्यूशनरी फीचर्स के साथ वर कनेक्टेड विद वन अनदर तो इसके फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन्स में एक्सीलेंट एग्जाम्पल जो है ये एकाइनोडर्मेटा और इसके डिफरेंट क्लासेस की है जिनमें डिफरेंट फीचर्स को हमने देखा हाउ दे आर मॉडिफाइड इन ईच क्लास बट ऑल दे आर शोइंग द फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशंस